कम से कम परिश्रम में मिले तो नारायण स्वतंत्र देते हैं, स्वाधीन चाहिए और ज्ञान का जाना हुआ तो नहीं अगर सुख हो और ज्ञान ना हो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं, सुख और ज्ञान को एक साथ नहीं होते। तो ऐसा जो हम सुख चाहते हैं उसको अनित्य में नहीं, एक देशी में नहीं, जड़ में नहीं, बड़ा दीनता में शराब में नहीं, अज्ञान में नहीं। तो सीधा रास्ता हो गया कि सुख की इच्छा अनित्य जड़ मृत्युमय पराधीन से वैराग्य करना चाहिए। और क्या जड़ क्या चेतन क्या सुख क्या दुख, विवेक जो है सुख की जिज्ञासा प्रपंच से वैराग्य देती है और चेतन की जिज्ञासा जड़ से अखंड बनाती है और सत की जिज्ञासा प्रपंच को असत कर देती है। इसलिए समुदाय वैराग्य कहते अपना है प्रपंच का प्रणी का चिदचित का विवेक और सत असत का दृढ़। ये वाक्यार्थ विवेक के क्रम तो सावधानी है, अगर पहले ही सतसत विवेक कर लेंगे तो वैराग्य होने में कठिनाई होगी और पहले ही पूर्ण ब्रह्म का निश्चय कर लेंगे तो जड़ चेतन का जो विवेक है सर्वथा शिथिल रह जाए। इसलिए वैराग्य पूर्वक जड़ चेतन का विवेक करके तब दृश्य की असत्ता और अपने स्वरूप की अभावता इसका पूरे दृश्य होना चाहिए। यदि कोई क्रम को स्वीकार नहीं करता है तो भले वो अपने को तत्वज्ञानी मान ले परंतु उसके पश्चात वासना क्षय और मनोनाम की तत्वज्ञान होने पर भी वासना क्षय और मनोनाश के लिए कर्तव्य शेष कर जाएगा और यदि संप्रदाय के क्रमानुसार पहले वैराग्य विवेक और संकल्प होगा तब उसको ज्ञानामृत किंचित कर्तव्य न सतर्क जो ज्ञानामृत है उसके लिए कोई कर्तव्य बंधन तो कर्तव्य का ही है। कर्ता कृतव मार संगत ज्वाला सर्वांतर आत्मा सुतक स्वामी जी, हम गृहस्थ में रहते हुए लोभ तथा मोह से कैसे छूटे? जब विपत्ति आती है तो उसका उपाय क्या करें? जो सुख आपके सत्संग से मिलता है वो सदा के लिए कैसे रहे और निष्कपटता हमको समझाओ। एक बहन जी का प्रश्न। भगवान तो गृहस्थ का भी है और सन्यासी का भी, भगवान दोनों का। और यदि गृहस्थ को डर लगता हो कि भगवान सन्यासियों का ही है तो एक भगवान ने तो अपनी छाती पर श्रीमती को बैठा रखा है कि नारायण ने कहा देखो भाई स्त्री से रखने से मत स्त्री रहने से मत डरो, हमने तो अपनी छाती पर बैठा रखा है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। एक भगवान को कभी स्त्री बनते रहते हैं कभी पुरुष बनते रहते हैं, औरत भी हो जाते हैं मर्द भी हो जाते हैं, तो कहते हैं भाई डरो मत है ना। अरे एक सीताराम चंद्र देखो पत्नी से कितना प्रेम है कि समुद्र पहुंचे और इतना बड़ी लड़ाई करे, तो गृहस्थों से कहते हैं तुम भी
भक्ति से प्रेम करो बाबा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो छोड़ना तो भगवान को आता ही है। भागवत में लिखा है कि जो रामचंद्र भगवान करने का रंग में चले उनके पांव में कांटे थे, परंतु उन्होंने निकाला नहीं। तो भैया हमारे पांव में आ गए, लग गए तो गड़ गए, तो जो हमारे पांव में आ गया उसको छोड़ना एकदम कंटक कंटक ही। भगवान ने भक्तों के हृदय में अपना वो चरणारविंद छोड़ा जिसमें दंडकारण्य के नासिक के समीप कांटे गड़े हुए थे, ऐसे है भगवान। तो एक पहली बात तो ये हुई कि गृहस्थ आश्रम से डरो मत, वेदांतियों वाला निर्गुण न सही। पर ये जो गृहस्थ भगवान है वो तो आपको सही होते हैं, और वो मिल जाएंगे तो वो कभी स्वयं निर्गुण होके दिखा भी नहीं। निर्गुण माने निरावरण और अनिरावरण, निर्गुण शब्द का निरावरण नहीं है। गुण माने सूप होता है, सूपों से बना हुआ कपड़ा, और गुण माने आवरण। तो जब भगवान नित्य निकुंज में श्री राधा रानी के साथ रहते हैं तो कोई सूत अपने शरीर पर नहीं होता, तो वहां वो निरावरण निर्गुण निरावरण रहते हैं। ये भगवान का एक निर्गुण। तो पहली बात को अब रही बात देखो, इसके लिए अपने बल से तो लोग मोड़ छोड़ना। रोज सवेरे जब नींद की गई तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान हमारा लोग मोड़ छोड़ो, और मन ही मन भगवान के चरणारविंद का स्पर्श करके प्रतिज्ञा करो कि आज कोई लोग का काम नहीं करेंगे। जो चीज अपने हक की नहीं है वो वही होता है, लोग दो तरह का होता है। एक तो जो वस्तु अपने हक की नहीं है उसको लेने का मन, और दूसरा लोग है हक की होने पर भी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करके परिग्रह। पेय और परिग्रह ये दोनों लोग के मुख्य रूप है। तरह की वस्तु बिना उसकी जानकारी के ले लेना और अपनी होने पर भी बिना जरूरत के इकट्ठा करके उसको रखना, ये दो के दो। और सभी के बुद्ध एक है, इंसान एक है, परमेश्वर एक है, परंतु ये दो दखल है महाराज और सबके जीवन में। तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए ये बड़ा प्रबल, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का थोड़ा सहारा है। लोग वो लक्ष्मी जी को आशीर्वाद देती है, लक्ष्मी जी लोग को थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद देती रहती है, सत्ता स्फूर्ति देती रहती है। वो महाराज घर वाली किसी से मिली हो तो अकेले पुरुष से बात करते थे काम नहीं करते हैं, घर वाली भी चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करो और प्रतिज्ञा करो कि हम लोग के अनुसार कोई काम नहीं करेंगे। यदि जीवन में कभी आता हो तो छठ पाठ खींच लेना चाहिए। हमको वो एक प्रार्थना में बताया कि जब लोग से कोई वस्तु अपने पास आ गई हो तो अच्छा है कि जिसकी है उसको लौटा दीजिए, अगर न लौटा सकें तो उसको सरकारी खजाने से सम्मान कर लेंगे। और अपने को जश मिले या अपनी उससे प्रसन्नता बढ़े ऐसे काम में खर्च नहीं करने के लिए भगवत सेवा में खर्च करें।
नहीं तो जब नाम पढ़ेगा कि उन्होंने दान दिया, बड़ा जस प्राप्त किया और चोरी का मान, चोरी के मान से जब जस मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आदर मिलेगा, तो और चोरी कर करके लावे और जस प्रतिष्ठा प्राप्त करें, ये इच्छा पड़ेगी। इसलिए जहाँ तक हो सके उसको काम में नहीं लेना चाहिए। बार कर्वास जो था उस समय श्री विजया बाबा जी महाराज का दर्शन नहीं किया था। स्वामी योगानंद जी महाराज के साथ कर्वास को सबके काम कर स्वामी कृष्ण के मंदिर में एक कुटिया में वो रहते थे, उसको वो लोग सीटियों के ऊपर भी लगे होती है। तो हाँ, जंगल में गया घूमने के लिए, रास्ते पर एक रुपया आधी का रुपया मैंने उठा के उठा के आया। तो स्वामी जी को दुर्गानंद जी को आया, ये रुपया रास्ते में पड़ा था, वो बोले कि जल्दी कर दौड़ जाओ, जहाँ ये मिला है उसको रखो, क्योंकि इस बेचारे का दिल गया होगा, बोलता हुआ उस रास्ते रहेगा तो मिल जाएगा। सरकार में उसको जमा करो, ऐसे तुमको आगे जाने का कोई रास्ता। जो लोग अपना चरित्र पवित्र व्यवस्था उनको लोग उससे और मोह में ये है कि पक्षपात जब हम करते हैं तो उससे मोह इसलिए भले मन में वो हो, क्रिया में और बर्ताव में पक्षपात करना छोड़ो। जब पक्षपात करना छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे मिल जाएगा, और चोरी और परिग्रह छोड़ दोगे तो लोग धीरे धीरे मिल जाएगा, और क्रोध का भाव आने पर भी देश को बीज रूप से रहता और क्रोध वृत्ति रूप से आता और हिंसा क्रिया के रूप में आ जाते हैं। तो ये द्वेष के ही तीन रूप हैं, द्वेष, क्रोध और हिंसा। अब महाराज पहले ये मत कहो कि हमारे हृदय में द्वेष नहीं रहेगा तब हम क्रोध नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ में आ जाती है कि जब काम नहीं रहेगा तब हम परस्त्री को देखना छोड़ेंगे। ये बेवकूफ है, पहले परस्त्री को देखना छोड़ो तब काम छूटेगा, पहले हिंसा छोड़ो तब क्रोध छूटेगा, पहले चोरी बेईमानी छोड़ो तब लोभ छूटेगा। वो स्थूल है, उसको जब पहले छूटेंगे तब धीरे धीरे अंतर जो है वो साफ होता जाएगा और अंतर में प्रवेश। संप्रदाय कहते ही उसको है जिसमें साधना का क्रम, जो मन में आया सो कर लिया, जो मौज में आई सो कर लिया, उससे कुछ नहीं होता है। वो तो फिर आगे पीछे छूटे हुए जो तो होते हैं वो आ करके पकड़ लेते हैं। क्रम क्रम से पहले स्थूल दोष को छोड़ो, फिर सूक्ष्म दोष को छोड़ो, फिर जो कारण में जो दोष है वो तो महाराज जब कारण से असंग हो जाओगे तब थोड़ी देर के लिए छूटेंगे, और जब कारण का बाध हो जाएगा अपने स्वरूप के रूप से तब वो दोष बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए दोष की निवृत्ति के लिए भी सदगुरु की सलाह से क्रम स्वीकार करना चाहिए, क्या करें और क्या न करें और किस तरह से छोड़ें। अब एक बात होती है, भागवत में तो सब दोषों के निवारण का नुस्खा एक ही लिखा है, ये सब सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो निजसाधये असंकल्पा देव कामम क्रोधम काम विवर्जना अर्थानर्थेक्षया लोकम वयम तत्वावमर्शना। सब लोगों के लिए एक एक नुस्खे एक साथ दिए हुए हैं, उनमें बोले एक राम बाण अमृत धारा बुलाते हैं। पहले हम लोगों के बचपन में अमृत धारा चलती थी, पेट में दर्द हो तो अमृत धारा, खांसी हवे तो अमृत धारा, कहीं दर्द हो तो अमृत धारा। सब लोगों में 50-56 लोगों के नाम लिखे हुए थे अमृत धारा से।
तो यदि गुरु की आज्ञा के अनुसार कोई चले तो उसके सब दोष नहीं होते। लेकिन महाराज गुरु की आज्ञा मानना भी बड़ा कठिन है। आज्ञा मानना बहुत कठिन है क्योंकि गुरु की अधीनता को सह लेना ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ी सहिष्णुता है। अच्छा, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करना भी बहुत कठिन है और सब काम अनुज्ञा लेकर भी करना कठिन है और अपनी प्रज्ञा भी कभी कभी जवाब में जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक सबसे सरल साधन है कि भगवान का नाम भजन। इसमें वीर्य क्रोध एक परमशास्त्र का ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, अभी तो पूरा शायद करने के चुका हूँ, बड़े मोटे मोटे 6-7 खंड में दादा को पुस्तक अपने बड़ा भारी ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि 9 दीक्षाओं में तो स्वस्थ करते हैं भगवान का नाम करो और नाम लेने से धीरे धीरे जब भगवान से प्रेम का उदय होगा और जब शर्म आने लगेगी चोरी भी करें और भगवान के सामने जाकर खड़े लोगों ऐसे जाएंगे जो कर दुष्ट उदय से रोई बोले आओ रोई तो कैसे जाए। मालिक के सामने जाना है तो जरा स्नान कर रहे हैं, कपड़े ठीक कर रहे हैं, बाल संभाल रहे हैं, अब मालिक के सामने जाए। कई जनों के घर में देखा हो बिना टोपी लगाए होकर मालिक के सामने पूरे तो भगवान के सामने जाने का भी एक जब भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के पास जाने की इच्छा होती है तब अपने को समाज बजा लेते हैं और तब जाते हैं तो सारे दोष भगवान का नाम लेने से मिट जाते हैं और भगवान का नाम लेते रहकर अब मान लो नहीं समझ रहे हैं नहीं सज रहे हैं काफी देखो हम अपनी ओर से मान करते हैं जैसे हो वैसे और इच्छा छोटे खड़े अच्छे हो तो अच्छे बुरे देखो भगवान की ओर से तो भगवान जब देखेंगे कि ये मेरी ओर आ रहा है तो अपने आप ही आश्रय सौकन्या पालन कर देंगे उनके पास पहुंचने के लिए। हो मैं एक बार मार्ग पर जा रहा था कोई साधन नहीं था तो महाराज गाने के ठाकुर साहब की गाड़ी बैलगाड़ी रंग हो गया वहाँ दो भगवान जा रही उन्होंने देखा दस गाड़ी रोक के उतर के प्रणाम किया और बोले महाराज आप सामान दिए जा रहे हैं मेरे साथ छोटे दिन में बिचारी उन्होंने कहा आप बैठ जाइए हम पैदल चले ना भाई लोगों को राम और खुद गाड़ी पर चले ये सब सामान तुम लोग हमारा बैठ लो हम पैदल चले और आगे बढ़े महाराज तो एक गाड़ीवान और गाता हुआ हरी रा और पीछे से गाड़ी दौड़ाता हुआ आया हम लोगों को देखा पूरे बैठ गया सो गए गाड़ी में 12 बजे रात को मार्ग पर पहुंच गए। तो भगवान अपने पास पहुंचने के लिए गाड़ी भी देखते हैं अपने सामने आने लायक कपड़ा भी भेज देते हैं और इशारा भी कर देते हैं कि अमुक जगह आना तो वहां हम सबको भेज जाएंगे और ऐसे भी बता देते हैं कि इसलिए जब हम भगवान की ओर चलने लगते हैं तो सारी सुविधा आश्रय सुनकर के आपादन पहुंचते हैं इसको आनंद प्रदान भगवान कर देते हैं। इसलिए भाई नाम लेते लेते शरणागति सर्वस्व में आश्रय सौकर्या पालन और आश्रित कार्य निर्वाह जैसे विभीषण को राज्य देना आश्रित कार्य शरण में दो गुण होंगे कि जो अपने पास आना चाहे और उसका यदि मुझे गिरा हो तो हाथ पकड़ के उसको उठा और वो जो चाहता हो एक काम जो उसका हो काम जो उसका हो वो बना शरणा शरण में दो गुण। अब हुआ क्या वो उसी बात की बात है जिस
जब तुमने हमको रेल गाड़ी मुंबई आया था स्मृति में और नारायण जी के इतना हमारे पास देखे था और क्या नाम है उसमें आ ही नहीं क्लास तो हम लोगों ने जाके वो बदल दिया था तो उसके निकला था इसको टिकट पर लिखा था इसको मार तो जाके हम फर्स्ट क्लास में और आया हमारा स्थिति आई देखे जो गए वो बताओ कहाँ है देने आ ही नहीं तो फिर उससे दिख दिया आगे गए तो पानी देने के लिए कुएं का छोटे भी गए गाड़ी छूट गई तो मैंने खींच को मार गाड़ी रुक गई आगे गार्ड ने टिकट आके दे दिए उसी बात की बात है और बांध पर गए तो सब लोग सो गए थे जाते हमें मालूम था कि हमारे लिए कुटिया कहाँ बनी फोन किया ताला लगा था तो मैंने कहा रिच को ताला जो खुल गया तो खुल गया जो रिच को मत का चमत्कार जब हुआ था उसी बार की ये बात है मैं और छोटे दो महाराज किचको भगवान की ओर चलने में एक शरणागति सर्वस्व ग्रंथ है नारायण उसमें जब विभीषण जी भगवान की शरण पड़े तो सुग्रीव ने कहा कि विभीषणों नगराज्य दुष्ट आप विभीषण को स्वीकार न कीजिए क्योंकि ये बहुत दुष्ट है। हनुमान जी ने कहा कि विभीषणों के राज्य अवशिष्ट विभीषण को आप ग्रहण कीजिए रामचंद्र ने कहा कि सुग्रीव हमारा तो हेतु और साथ दोनों ने नगराज्य ये साध्य भी अशुद्ध है और दुष्टत्वा भी हेतु भी अशुद्ध है दुष्ट होने के कारण इसको स्वीकार मत करो तो स्वीकार मत करो ये भी गलत है और ये दुष्ट है ये भी गलत है और दुष्ट होने के कारण स्वीकार न करो का ये भी गलत है। हनुमान जी से बोले कि तुम्हारा साथ में तो बहुत ठीक है हनुमान जी विभीषणों का राज्य किंतु शिष्टम पाप हेतु जो तुम्हारा है वो दुष्ट है क्यों तो बोले जब शिष्ट होगा तभी हम ग्रहण करेंगे तो अशिष्ट कहाँ जाएंगे तो चाहे कोई पापी हो पुण्यात्मा हो दुर्जन हो सज्जन हो है कोट दिन प्रपद ला गई जाओ आए शरण सजम नहीं था वो वाल्मीकि रामायण में सतामेकम् अदूषिताम् ऐसे वर्णन किया है कि जो शरण में आवे उसके आचरण पर ध्यान न दे करके उसको श्रृंगार कर रहे तो ये जो भगवान का नाम हम लोग लेते हैं ये नाम भी एक प्रकार का प्रणाम शरणागति अपने यहाँ भगवान को छोड़ करके अपने मान को छोड़ करके और जो नाम है सो मान नारायण जहाँ नाम को पकड़ा वो मान के विपरीत पड़ने के कारण मान को छुपा देता है और भगवान की शरण हो जाते हैं तो नारायण भगवान का नाम लेने में डरना नहीं एक सूत्र कमलाकर ग्रंथ है जिनका निर्णय सिंधु है उन्हीं की रचना है उसका नाम सूर्य कर्नाटक है कमलाकर भट्टाचार्य उसमें बताया भाषा क्या लौकिका मंत्र प्रपत्यर्थ विभावना स्त्री सूत्र प्रतिलोमे व्यो श्रेया काम द्विजाति ब्राह्मण यदि चाहे ब्राह्मण का मन हो और यदि उनकी इच्छा हो तो चाहे स्त्री हो सूत्र हो प्रतिलोम हो उनको भाषा मंत्र क्या होता है जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम बस बरसाने वाले की जय बोलता हूँ बरसाने
का वो महाराज जय बोलो। और भगवान कहेंगे ओहो ये तो हमारे फोटों की अनजान में हमारे नाम का उच्चारण कर रहा है और भगवान का सुना बंदे जाता है और आकर के रक्षा करते हैं। इसमें गृहस्थ सन्यासी की कोई बात नहीं है, जिसके मन में भगवान की ओर चलने की रुचि हो वो चाहे भंगी होकर भगवान के दरबार के माल के सामने झाड़ू लगावे, चाहे वो उसके रसोई घर में जाके रसोई बनाने वाला हो तो वहाँ जाके रसोई बनावे, और चाहे उनका श्रृंगार करे, चाहे उनकी खास खवाती में उनका खास सास बन जाए, भगवान की ओर से कोई रोग नहीं है, रोग है तो हमारे मन की है। इसलिए भगवान का नाम लेकर पुकारो और भी खींचेंगे और तुम चलोगे। जय जय सिया राम। इसमें तो लिखा है तो दैन्य कैसे प्राप्त होते हैं, भगवान की कृपा से वो दैन्य प्राप्त होते हैं, ये तो श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हे प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए हमारे भगवान की जब कृपा होती है देखो कृपा क्या है, भगवान के नाम का और जिस आचरण से भगवान प्रसन्न हो वो आचरण हो और अपने हृदय में बारम्बार भगवान की स्तुति हो। जिसको बड़ा आदमी दिखता है ना उसको अपनी गरीबी दिखती है, जो सर्वेश्वर है प्रभु उन पर जिनकी दृष्टि जारी है उनके लिए त्रिकप यदि दिखाई पड़े तो अपना अहम अणु हो जाए, अपने को छोटा करने का उपाय है, नहीं सुना है छोटा करना नहीं है, क्षीण रूप में अपने को अनुभव करना क्षीण आसीन तो कैसे अनुभव करें, दो तीन ऐसे अनुभव करें कि भगवान के अनुभव का चिंतन करें, उनके सब रूप का स्वरूप का आनंद रूप का जब भगवान की पूर्णता का चिंतन करेंगे तो अपना जो अभिमान है वो प्रगत हो जाएगा। इसलिए अभिमान को तोड़ने के लिए महान का चिंतन जो है वो आवश्यक है, जो महान का चिंतन करेगा उसके अपने में कोई अभिमान कृपा का जो तो दैन्यादि है और दैन्यादि हेतु का कृपा दैन्यादि का हेतु कर भागवत में आरंभ में अंत नारायण स्मृति सुखदेव जब चल रहे हैं तो हृदयस्तन पुरु केशवम और जब समाप्ति करते हैं तो वे यथावृत्ति फिर बीच में अहम ब्रह्म परम धामी भी क्या गया बीच ये क्यों गया, ये आरंभ है इसमें समाप्ति इसमें और जब चलते समय हृदयस्तन पुरु केशवम तदेव सत्यम तदो है मंगलम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम फिर अंतिम में एक बात ऐसी बीच से कह गए अहम ब्रह्म परम धाम ये सब ये सब भक्ति से आरंभ भक्ति में समाप्ति अंतिम में फिर बीच में एक ऐसी शब्द कह गए जो सब कुंडिया बेट करते हम अल्लाह या फिर इसका भक्ति पर अगर सीधा सीधा क्या हो वेदांत पर छोड़ करके भक्ति पर किसका आम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परम पदम इसका भक्ति पर अगर श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी में भागवत जो है भगवान का स्वरूप है भगवान एवं भागवत कोई उत्पत्ति ऐसी ना हो भगवान एवं भागवत भगवान ही भागवत है मेरे यम मान वही मुक्ति इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान के दसो अवतार रूप ये दस लक्षण जो है ये दस अवतार रूप ही है।
भगवान के अवतार मोहनी अवतार भी है। मोहनी अवतार का स्वरूप तो ये है कि देवताओं को अमृत पिलाते जाए और तिरछी आंख से असुरों को देखती जाए, वह असुर रोहित हो जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, ये ईश्वरों हम होगी सिद्धो हम उनको मोहित करने के लिए, उनको मोहित करने के लिए रूप में भगवान ने भागवत रूप सतम रूप हम भगवान असुर बता दिया। और ये जो दोनों श्लोक है सुबह सुबह जैसा भक्ति वाले उसको लोग तो मानते ही हैं, परंतु सब टीकाकारों ने उन दो श्लोकों को स्वीकार चुप माना। तो सत्यम परम भी बनी नाटक मान तो 18,000 श्लोकों में आपत्ति आ गई। आपत्ति तो 18,000 में तो 16 आने हैं, कोई इसकी से 14,000 के करीब श्लोक मौजूद में मिलते हैं। और जब अक्षर 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 से जब सुनते हैं कि 16 वो जो 32 अक्षर का एक अनुभव होता है उस हिसाब से मानते हैं, तब कहीं कुछ कम एक श्लोक को श्लोक अमिताभ ने लिखा है। अमिताभ प्रकार से ऐसी मिलती है, नहीं पति पति वाच वगैरह लेके नियम का भी पालन न करके राजो वाचक एक श्लोक, श्री पुत्र वाचक एक श्लोक है ना, वाचक हाँ उनको एक श्लोक दिया और 32 अक्षर का अनुकूल होता है। तो ऐसा लोग मानते में सकते हैं कि विकसित तो आप मान लो 19 का चौगुना कितना होता है, 19 से 16 76 अक्षरों का श्लोक होता है और कोई 17 श्लोक का है, 17 अक्षर का है, तो कोई और ज्यादा 21 तरह धरा 21 अक्षरों का है। मोनि मोन मणिवर दृष्टि से तो लिखने वाले को मजदूरी कैसे दी जाए, तो उसके लिए ये नियम बनाया गया कि 32 अक्षर को एक श्लोक माना गया जाए। इस तरह से अक्षर का तो मजदूरी तय करने के लिए लेखक को ये व्यवस्था बनाई हुई है और इस हिसाब से जुड़ते हैं तो श्रीमद् भागवत में 18,000 तो अब ये है कि सत्यम परम ही मही से आरंभ करें तो अंत में भी सत्यम परम तो वो तो तेरे में अध्याय में आता है ना, सत्यम परम धीमही भागवत जो सत्यम परम धीमही तो तेरे में अध्याय में हाँ। तो पहला भी तो सुखदेव जी का वचन नहीं है, जन्माद्य देता तो ये भी तो पहले व्यास का ही वचन मानना पड़ेगा, जिन्होंने सूत सौनक का संवाद लिखा, जिन्होंने नारद व्यास का संवाद लिखा, जिन्होंने सुखदेव परिचित का संवाद लिखा। तो भागवत ग्रंथ का जब वाक्यार्थ का निर्णय करना पड़ेगा तो पूरे ग्रंथ के वाक्यार्थ का निर्णय करना और पूरा ग्रंथ जो है वो विष्णु परम भी नहीं, शंभु परम भी नहीं, रामम परम भी नहीं, कृष्णम परम भी नहीं, देवी परम भी नहीं या सीतम परम भी वही से आरम्भ नहीं होता है, सत्यम परम भी वही से ही आरम्भ होता है। तो जैसा उपक्रम है उस उपसंहार की दृष्टि से विशुद्ध मंगलम सत्यम परम भी नहीं उपक्रम संहार दोनों की एकता होने से सत्यम परम भी नहीं हो जाता। सत्यम परम कृष्ण के लिए आता है, सत्य प्रथम सत्य परम की तो वही माने वैसे ही सत्य यहाँ मानना पड़ेगा। सत्य से सत्य तो सत्य का भी सत्य है, तो सत्यम विश्वम
और भगवान सत्य से सत्य, भगवान सत्य के सत्य है। तो अब वो सत्य जो पुस्तकों में सर्व वेदांत सारंजस, यही तो संवारण है भोजन पालों का, सर्व वेदांत सारंजस ब्रह्मात्मकत्व लक्षण वस्तु द्वितीय तनिष्ठम कैवल्यक प्रयोजनम। इतना स्पष्ट सुंदर भागवत में बताया वेदांत का तो है सार, चिंतन वस्तु सर्व वेदांत सारंज, चिंतक अद्वितीय वस्तु, वस्तु द्वितीय, अद्वितीय वस्तु का क्या स्वरूप सारिध्या रूप में ब्रह्मात्मकत्व लक्षण एवं भूतम अद्वितीय वस्तु, फिर फल का वर्णन कर दिया केवल एक प्रयोजन, प्रयोजन क्या है इसका, एकमात्र केवल। इतना स्पष्ट जहाँ सुंदर भागवत सत्यम परम धीमहि कैवल्यक प्रयोजनम वस्तुद्वितीयम तन निष्ठा निष्ठा समाप्ति, उसी में वेदांत की समाप्ति है। इतना होने पर भी भागवत को मोहिनी के रूप में कल्पित करना ये कहाँ तक उचित है, ये तो चक्रवर्ती जी महाराज को नमस्कार करके ही पूछ सकते हैं, क्योंकि जहाँ भागवत स्वयं से ही अपने तात्पर्य का प्रतिपादन करता है। अब ये है कि हंसी का ज्ञान वैराग्य की माता के रूप में बना, तो ज्ञान वैराग्य तो हो गए फल, जैसे आम का वृक्ष हो उसमें भी मन लगता हो, तो अभीष्ट तो होता है फल, परंतु फल का जनक जो वृक्ष होता है वो भी अपेक्षित होता है, और उस वृक्ष का यदि पालन पोषण करते रहेंगे सीखते रहेंगे तो और फल लगते रहेंगे। इसलिए जैसे वेदांत की लोग तत्व वैराग्य और ज्ञान हो जाने के पश्चात भक्ति को भक्ति का बात कर देते हैं या निष्प्रयोजन मान लेते हैं, वैसी भक्ति भागवत में नहीं है। यत्र ज्ञान विराग नैष्कर्म में आविष्कार का, तो आविष्कार तो है नैष्कर्म का ही, वहाँ जो उद्देश्य है नैष्कर्म में आविष्कार भक्ति सहित भक्ति, पर वो भक्ति सहित रहेगा माने मुक्त तो होगा नैष्कर्म और भक्ति होगी उसकी सहकारिणी या जननी, ऐसी भक्ति होगी, भक्ति को मोक्ष नहीं माने। तो अब ये है कि लोगों के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो, ये भागवत का संकल्प है। हाँ, जरूर नहीं आरंभ में यथा हरव भगवती प्रणाम भविष्य सर्वात्म निकला, परंतु भगवान जो है ना वो ठीक ठाक के चाहे अपने पक्ष में भले भेजा सर्वात्मन अखिला धारे, वो भगवान है सर्वात्मा माने अहम 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 जो प्रत्येक शरीर में प्रकट प्रकट हो रहा है उसमें एक माने चेतन है, सर्वात्मा का अर्थ जड़ शरीरों में जड़ वस्तुओं में चेतन है, और अखिला धारे सबका अधिष्ठान है, तो जो अधिष्ठान चेतन है उसमें भक्ति हो ऐसा संकल्प करके वर्णन करो। अब तो यदि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य ही होना है तो दो प्रयोजन भक्ति का सिद्ध होता है, एक तो प्रपंच का तृणीकरण, प्रपंच का तृणवत परित्याग हो जाए, और दूसरा उसके बाद बोध से ब्रह्मिका, समग्र प्रपंच ब्रह्म स्वरूप ही है। अब इसमें तो मजा वही आएगा, इसमें कृष्ण गए नहीं, पहले कृष्ण एक थे और अब तो कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण हो गए, सर्वात्मा कृष्ण अखिलाधार कृष्ण, कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं, अणु अणु कृष्ण, कण कण कृष्ण, क्षण क्षण कृष्ण, तृण तृण कृष्ण, कोण कोण कृष्ण। पहले कृष्ण को एक कोने में फेंक रहे थे और अब कृष्ण को सर्व रूप से लता भी कृष्ण, वृक्ष भी कृष्ण, वहाँ वृंदावन के बालू का कण भी कृष्ण, और लोगों ने
त्रयोजन तो हाँ दो लोग में प्रश्न रहते हैं कि नहीं इसका तो पता नहीं है। हाँ वैसे श्रीमद् भागवत में वो बैकुंठ का ही वर्णन प्राय आता है, गोलोक का तो वर्णन है और रामचरित मानस में महाराज साकेत का वर्णन कहेंगे तुलसीदास जी के जन्म पर। इसलिए श्रीमद् भागवत का परम तात्पर्य अद्वैत में ही होना चाहिए। सर्वात्मन ने कहा हरि का कृष्ण अर्थ नहीं लगेगा, लगा लेगा वो है ना सर्वेशा भावानां भावार्थो भवति स्थितः तस्या भी भगवान कृष्ण तुम्हें तो वस्तु कृष्ण का लक्षण क्या है कि वह आत्मा के भी आत्मा, वो आत्मा के बाहर आत्मा है कि आत्मा के भीतर आत्मा। यदि आत्मा के भीतर आत्मा है तब तो अलग अलग जो आत्मा है उनसे भी बड़े ब्रह्मरूप आत्मा है और यदि बाहर आत्मा है तो दृश्य हो जाएंगे और दृश्य हो जाएंगे तो सापेक्ष हो जाएंगे व्यक्त हो जाएंगे। इसलिए आत्मा की आत्मा सर्वेशा भावार्थो कारण भवती तस्मिन् कारण तथा भगवान कृष्ण बहुत बढ़िया कृष्ण नाम आ गया परंतु किमतन वस्तु रूप देना कृष्ण की अतिरिक्त और किस वस्तु का निरूपण करें माने कृष्ण के सिवाय और कोई वस्तु ही नहीं है। असन निरासन न भवन निधना आसन करना है तो किमतन वस्तु रूप देना परमात्मा के सिवाय दूसरी वस्तु क्या है। इसकी भक्ति पर शब्द कैसे घटाएंगे बस ये जानना ये कुछ नहीं आम ब्रह्म परम धाम को उनकी भक्ति पर घटाना है तो कैसे नहीं करते वैष्णव में कोई अर्थ नहीं किया इसका किसी टीका वैष्णव तो हमको पूर्व पक्ष में कहा जबरदस्ती पूर्व पक्ष में बैठे आप तो सभी पक्ष का वर्णन करते हैं महाराज पूर्व उत्तर दोनों ही पक्ष आपको जो दक्षिणा देने वाला जजमान है उसी को परमेश्वर कहा जाए ये पुरोहितों को ही धोखा देता है। बड़ा बताओ कोई भी संस्कृत का जो प्रसिद्ध अब वहाँ अहम शब्द का न ये थे ऐसा लिखे हुए तो उसको सोफा देगा न जहाती इसे न ये थे इसे न हंसी इसे न हिनती न लोहा त्यागे न जीते वहां गो न जीते इसे न जहाती इसे हम दस धातु से हम शब्द बना दें लेकिन हम शब्द को ऐसा बनाने का है ना किसी का हृदय भी तो स्वीकार है जहाँ दिल कबूल नहीं करता है भक्ति फर्क नहीं भक्ति बाद में भक्ति करें तो वो भी ठीक है होता दर्शन क्षेम परम भगवत परम तत्व ज्ञान होने के बाद हम ब्रह्मास्त्री ज्ञान होने के बाद अगर कोई भक्ति करता है तो ज्ञान की शोभा है निष्कर्ष मक्ति भाव शोभते ज्ञान वाला निरंजन ज्ञानी होने के बाद तुम मौज से भक्ति करे ज्ञान होने के लिए भक्ति करे और ज्ञान होने के बाद भी भक्ति करे भक्ति बनी रहे पहले भी रहे पीछे भी रहे लेकिन बीच में जो ज्ञान का वर्णन है भक्त को हमेशा अज्ञानी बना के भगवान अगर उसके स्वाद देना चाहते हैं तो ऐसे मालिक होंगे भगवान जो अपने नौकर को हमेशा बेवकूफ बना के उसके अपने सेवक को हमेशा बेवकूफ रख के उसकी सेवा लेना तो वो तो ठीक नहीं है। सेवक से भी भाव में उड़गा पर परसों आप आश्रम में कह रहे थे कि विष्णु अलग है और राम अलग है जिनके अंश से विष्णु उत्पन्न होते रहते हैं और जब कृष्ण के अवतार का समय तो विष्णु का वर्णन है रासलीला का विष्णु 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 ही अलग रस्पांस तरीके हो गई है क्या
विक्रीडतम ब्रजवधु युदंच विष्णु श्रद्धान तुम सुनिया आप व्याकरण से विश्व बेचने कर दो तो विष्णु बना लूंगा नहीं नहीं वैसे अच्छा ऐसा है हाँ। कि आज का प्रसंग कल देंगे आप छोड़ दें कल कल लेकिन नहीं कृष्ण भगवान जो है वो बड़े हैं अब गोस्वामी तुलसी का जी तो कहते हैं कि हमारे जो राम वो कृष्ण से बहुत बड़े हैं असल में जो श्री कृष्ण के उपासक हैं वो अपने को वैष्णव कैसे कहते हैं वो अभी तक हमको मालूम नहीं क्योंकि जब ये कृष्ण को विष्णु से जो परे मानते हैं उन्हें अपने को कार्षणी कहने लगे जैसा कि महावन वाले बोलते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं हम विष्णु भक्त हैं अब स्वयं को मनु ने तपस्या की सो महाराज बार बार विष्णु भगवान आए और कहें कि हे मनु जी हमको वरदान मारो देखें नहीं आप सोच के देखे नहीं प्रणाम नहीं किया बात नहीं करे तब देख किया पारा आए परम धीर नहीं चलत चलाए वो कहते हैं छेड़ते हैं विष्णु भगवान गुदगुदाते हैं हाथ पकड़ते हैं अरे जरा मेरी ओर देख लो भाई परम धीर नहीं चलत चलाए अब वहाँ पर ये गति हुई अब उधर महाराज उपज जात मंत्र गुण खानी अगनी तुम्हारा रमा ब्रह्मानी सीता जी के देखो अगणित रमा प्रकट होती है दस बारह क्यों कहते हैं अगणित लक्ष्मी जब पैदा होती है तो अगणित विष्णु भी पैदा होते होंगे वो तत्व श्री कृष्ण हो गए राम हो गए वो तत्व हो गए अच्छा आप देखो राम जी अच्छा जहाँ अवतार का प्रसंग है वहाँ लोगों ने कहा पूर्व वैकुंठ जान का कोई किसी ने कहा वैकुंठ चलो शंकर जी ने कहा कि नहीं वैकुंठ मत चलो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना इसलिए व्यापक जो परम तत्व है वही राम के रूप में प्रकट है वही कृष्ण है वही राम है उसे कहने की शैली है अच्छा राम आए तो अब अगणित कोटि ब्रह्मांड उनके रोम रोम में है एक एक ब्रह्मांड लेके कृष्ण को होते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिबेदित है अब तो एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश वो अलग हो गए राम जी के ब्याह में आए तो क्या हुआ कि लक्ष्मी और विष्णु दोनों मोहित हो गए रमा समेत रमापति बोले भरत जी का वर्णन आया तो बोले भरत ही हो न और स्तुति हुई तो विधि विधिता हरि हरिता शिव ही शिवता जोदयी जिसने विष्णु को विष्णुपद दिया है उस राम का वर्णन आ गया अब जहाँ परमात्मा का वर्णन करने लगे विधि हरि शंभु न चावन हारे और देव न जाने मार दिया ना तो देव न जाने वर्म तुम्हारा और तुम्हारी को जाने हारा विष्णु भगवान की राम के मर्म को नहीं समझ तो ये जो हमारे राम और कृष्ण है ये सुयज प्रेम भक्ति दर्शन और संजाति गोल प्रेम भक्ति से विशिष्ट जो अंतर कर्म है प्रेम और भक्ति से हरी हुई जो कौशल्या है उसकी प्रेम भक्ति के बल से वो ही राम के रूप में और वो प्रेम से भरी हुई जो यशोदा है उस प्रेम प्रेम मूर्ति यशोदा मैया की गोद में वो ब्रह्म ही कृष्ण होकर के खेलता है ये किसी लोक विशेष से आया हुआ है इसलिए जब हमारा हृदय यशोदाकार हो जाता है तो श्री कृष्णाकार होकर ब्रह्म में खेलता है ऐसे ही ये वृंदावन धाम है वृंदावन धाम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है जिसमें एक एक कण स्त्री राखा पुरुष कृष्ण
विज्ञो बुद्धमस्तिका था, एक एक कण राधा है, एक एक कण कृष्ण है, लता राधा है, वृक्ष कृष्ण है, यहाँ की गाय का भोजन है, यहाँ के एक एक कण चिंतामणि है। ये उपासकों की सिद्धि के लिए भगवान ने ऐसी विलक्षण महिमा प्रकट की है। ये वेदांत भक्ति का विरोधी है, ये अपने संप्रदाय की वृद्धि के लोभ से लोगों ने ये बात प्रचलित की। आप देखो ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हैं श्री मंभकादास आचार्य, उनका पारिजात कौस्तुभ है नारायण, और वो अखातो ब्रह्म जी की आशा की व्याख्या करते हैं, और सारे ब्रह्मसूत्र में कही हुई न राम का नाम है न कृष्ण का नाम है, ब्रह्म ही है। अच्छा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अनुभाष्य करते हैं, तो वहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या कहते हैं? तो ब्रह्म शब्द का अर्थ जब उपनिषद में वेद में ब्रह्म शब्द का प्रयोग जैसे हुआ है वैसे ही करना चाहिए ना। श्री रामानुजाचार्य ने श्री भ्रामाष्ट अथवाचार्य ने अपने प्रज्ञ पूर्ण प्रज्ञ दर्शन में, रामानंदाचार्य ने आनंद भाष्य में, बलदेव की विद्याभूषण में, गोविंद भाष्य में, और श्री कंठ ने श्रीकर ने सबने अपने अपने भाष्य में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा को बदल के अथात कृष्ण जिज्ञासा अथातो राम जिज्ञासा तो किया नहीं। तो जब ब्रह्म शब्द श्रवत ही है और श्रुति की ही व्याख्या ब्रह्म सूत्र आदि में की हुई है, तो ब्रह्म शब्द देख करके घबराने की जरूरत नहीं। यदि उसको उस रूप में मानने की रुचि न हो तो जैसे कृष्णो हम पश्यत गति ललिता विधि तन्मना, जैसे गोपी कहती है कृष्णो हम तन्मय हो गई तन्मना स्वयं मनो यत्या, तो कृष्णो हम पश्यत गति ललिता मैं देखो कैसा ठुमक ठुमक के कृष्ण की तरह हमारी चाल में देखो कैसा नाच कैसा नृत्य है, हमारी बोली में कैसा संगीत है, भक्त के चाल में नृत्य होता है, प्रेम की चाल है नृत्य और प्रेम की बोली है संगीत, और प्रेम में प्रेमी का स्वरूप है प्रियतम। यदि अपने प्रियतम को छोड़कर वो अपने प्रेमी स्वरूप का चिंतन करता है तो प्रेम से च्युत हो जाएगा बिल्कुल, वो तो कृष्ण का ध्यान नहीं करेगा अपना ध्यान करने लगेगा। इसलिए यदि अहम ब्रह्म का अर्थ करना ही हो तो जैसे तन्मय अवस्था में ललिता भी अपने को कृष्णो हम बोलते हैं वैसे हे परीक्षित तुम तन्मय हो करके तो परम धाम का क्या करेंगे? परम हम कामना स्वयं सदा निरतम सत्यम परम धीम ही, तो कामना का अर्थ होगा ज्योतिर्मय रश्मि, उनकी जो रश्मि है ज्योति है जिसके प्रकाश में ये संपूर्ण प्रपंच दिख रहा है। तो कृष्णो हम पश्यत गति को जैसे गति दिखाते हैं ना, वहाँ गति दिखा दो कि कृष्ण के जैसी हमारी चाल है और यहाँ दिखा दो कि कृष्ण जैसी हमारी चमक है, हमारी ज्योति कृष्ण जैसी है। तो ये हमारे जो भक्त लोग हैं इनको कुछ संप्रदाय के लोगों ने ब्रह्म शब्द के प्रति ग्लानि उत्पन्न कर दी है। मूल बात यही हुई है कि ब्रह्म शब्द के प्रति ग्लानि कर दी है, न तो रामानुज ने ग्लानि उत्पन्न की न मधु ने न निपार्क ने न बल्लभ ने, उन लोगों ने तो ब्रह्म शब्द को परम सत्य अर्थ में ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग माना किया व्याख्या है। लेकिन जो पीछे लोग जो हुए हैं उन लोगों ने उस ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है वो अत्यंत संकुचित कर दिया अपने अपने संप्रदाय में। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो तो भगवान की भक्ति की पित्रूपकम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम, जब मैं भक्त हूँ भगवान भजनीय है दोनों में भक्ति है बीच में, ये एक रथ एक स्वरूप सदा द्वय आनंद की आह्लादिनी श्यामा आह्लादिनी के आनंद श्याम, हम तुम एक पुंज के कथा नयादि नयंत बराबरी नहीं होगी तो न कथा होगा न सखी न
जहाँ हीन भाव होगा, हम छोटे तुम बड़े, वहाँ तो स्पंद ही रहेगा। इसलिए बराबरी नहीं, सखा तो बराबरी में रहते हैं और जो श्री राधा रानी है वो तो एकता में ही रहते हैं। एक है प्रेम का समुद्र, एक है रस का समुद्र, आनंद का समुद्र। उस आनंद समुद्र का जो तरंगायमान रूप है, उस तरंगायमान रूप में एक तरंग श्री कृष्ण और एक तरंग रस समुद्र तो ब्रह्म है साक्षात, उसको सगुण कहो निर्गुण कहो, और उसमें एक एक तरंग के रूप में सीता राम राधा कृष्ण और एक दूसरे सीता राम हो जाते हैं, राम सीता हो जाते हैं। तत्व प्रेम कर मन अनुकोरा, जानत प्रिया एक मन कोरा, सो मन रस सदा तो पाही, जान प्री तिरक इतने मानी नारायण। और सदा एक रस एक खंडित आदि अनादि अनुमुख, कोटि कल्प की सत नहीं जानत विरस विरल स्वरूप। तो ये जो एक स्वरूप सदा तो नाम है, ये ही भगवान का, जहाँ नाम रूप का भेद नहीं है। राधा केवल स्त्री शरीर का नाम नहीं है, कृष्ण शरीर का भी नाम है और पुरुष शरीर का भी नाम है। और पुरुष कृष्ण केवल पुरुष शरीर का नाम नहीं है, स्त्री शरीर का भी नाम है। इसीलिए श्री राधा रानी के रूप में कभी कृष्ण हो जाते हैं, कभी कृष्ण के रूप में राधा रानी हो जाती है। नाम हित का आंकड़ा छोड़ करके जो रसात्मकता है दोनों की, वो रसात्मकता ध्यान में लेने की है। इस वल्लभ संप्रदाय में श्री संप्रदाय में सिद्धाद्वैत नाम देते हैं और श्री हरिदास संप्रदाय में प्रेमाद्वैत का नाम देते हैं और श्री चिंतन संप्रदाय में रसाद्वैत के नाम से महाकवि कर्णपूर ने एक ही रस की स्थापना की। इसमें भी रसों के रस में भी बहुत संभेद है। श्री अवभूति का कहना है कि रस को ही मात्र करो नहीं करो वेदांत में। भोजराज का कहना है कि श्रृंगार वेव रसनाद रसमा मनमा। हम तो रसनीय होने के कारण केवल श्रृंगार को ही रस मानते हैं। महाकवि कर्णपूर्ण ने कहा कि केवल प्रेम ही रस। ये उनका जो अलंकार का उसमें ग्रंथ है रस का प्रतिभा, ये आनंद वृंदावन चंपू से ही पहले का होगा। बहुत विलक्षण ग्रंथ है उनका अलंकार को, मेरे से यहाँ मिलता नहीं था तो मैंने ढाका था और अब तो सुनते हैं कि दोबारा यहाँ फोटो उसका करके मिलने लग गया है। तो उसमें ये स्थापना की है केवल रस। तो उसने ऐसा कहा कि हे प्रिया जी, यदि पसंद की तो मैं कहूँ कि तुम मेरी हो, तो कुछ मालिक बना प्रकट हो, और यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा हूँ तो मैं तुमसे अलग हो। यदि कहूँ कि तुम अलग हो और मैं अलग हूँ तो भेदभाव हो जाएगा। इसलिए दुश्मन रस्ता प्रयोग हमारे और तुम्हारे पंचलोक के अंत में ये दुष्मदस्पद प्रयोग नहीं समझी को दुष्मदस्पद प्रयोग, ये तुम हो ये मैं, ये कहना हम दोनों का मंत्र है। इसलिए सही चाहे कहना और चाहे सकती ये तुम और मैं तो मिटाना ही पड़ेगा। जब तक मैं और तुम मिटेगा नहीं तब तक न भक्ति पूरी होगी न ज्ञान पूरा होगा और अपना अपना संप्रदाय ज्ञान संप्रदाय है वो दूसरा है, भक्ति संप्रदाय ये भाव की प्रधानता से है वो ज्ञान की प्रधानता से है। 9 बजे अब आ जाए लोगों का 9 बजे 6 बजे।